भारतीय राष्ट्रीय मजदूर इंटक की वार्षिक बैठक मुंबई के मालवनी इलाके में हुई, जिसमें देश के सभी राज्यों से भारी संख्या में यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस बैठक में भाग लेने पहुंचे। इस बैठक में मजदूरों के हितों को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस दौरान इंटक के नाम पर फर्जी संगठन बनाने वाले का खुलासा भी किया। कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाते हुए कड़ी आपत्ति भी जताई है। इस बैठक में इंटक के महाराष्ट्र अध्यक्ष इब्राहिम पिंटो, मुंबई अध्यक्ष चौथी प्रसाद गुप्ता, स्थानीय विधायक असलम शेख, शरद त्यागी, विपुल शाह, बीना सिंह, शिवानंद शर्मा, केपी यादव, रामाश्रय चौहान सहित कई गणमान्य लोग यहां पर उपस्थित थे और उन्होंने अपनी बात सबके सामने रखी। हम लोगों ने जो आरोप लगाया वो आरोप आपके सामने है, कागज आपके सामने। 2007 में संजीवन रेड्डी ने जो फर्जी रजिस्ट्रेशन कर 2007 का दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कर और हमारी सरकार को और कांग्रेस को गुमराह करने का कोशिश किया, देश का मजदूर को गुमराह करने का कोशिश किया, देश का हमारा जो कांग्रेस का लेबर और जो हम लोग जो अब काम कर रहा है, हम अपना काम प्राइवेट क्षेत्र में जहाँ की झाड़ू पोछे वाले से लेकर टेली से लेकर जहाँ राहुल गांधी जी का जो सपना है, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी का सपना था, आज वो राहुल गांधी पूरा कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस 1948 में जो इसका गठन हुआ था, वो मजदूरों को और देश को हित को देखते हुए इसका वो कि मजदूर को रोजगार मिले और देश को तरक्की मिले। लेकिन कुछ कांग्रेस के हमारे पार्टी के अंदर गलत तरीके के नेता इंटक के घुसाए, जिन लोगों की वजह से हमारा मजदूर दूर हो गया था। आज हमने उसे दोबारे 1,30,00,000 लाने का प्रयास किया, जहां कि आज हम पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मजदूरों का अधिकार दिलवा रहे हैं। अभी समस्याएं हैं जो अभी आज की जो सरकार है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जैसे ठेले वालों का हो गया, जो महानगर पालिका के लोग आए दिन सताते हैं, उसके विरुद्ध हम लोग कामगार दिन के अवसर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन करने का विचार भी चल रहा है। और दूसरा जो मिल मजदूरों का एक बहुत बड़ा वो समस्या है, जो उनको घर देने का हमारा सरकार ने वादा किया है लेकिन हर बार वादे में फिर रही है, उसके विरुद्ध भी हम लोग बातचीत हो रही है। और अध्यक्ष जी को इसलिए हमने बुलाया कि महाराष्ट्र की जो भी समस्या है उसके लेके हम लोग महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष इब्राहिम पिंटो जी और विपुल भाई जी, हमारे सारे जितने जो कार्यकर्ता हैं, बीना सिंह जी, सभी को लेकर हम लोग बैठेंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कि महाराष्ट्र दिवस ऐसा दिन है कि हर कामगार के लिए ये छुट्टी का दिन होना चाहिए, वो मुद्दा मैं पहला लूंगा और इस पे हम लोग जरूर आंदोलन या मोर्चा छेड़ेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से कहीं ना कहीं जो उन्होंने बोला था उसके अलावा उल्टा ही काम करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो लेबर इंडस्ट्रीज के माध्यम से हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के माध्यम से हो, चाहे हैवी इंडस्ट्रियल स्टेट्स के माध्यम। हमारी इंटक जो है हर जगह जाके वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो काम करने वाली छोटी कंपनियाँ, उनके मस्ते लेके जो है वो उनके कंधे से कंधा मिला के उनके लिए लड़ने का काम कर रही है, चाहे फिर मजदूरों पे अन्याय होता हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे अन्याय होता हो। इस वार्षिक बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। अब देखना होगा कि इसका फायदा कार्यकर्ताओं को कितना पहुँचता है। मुंबई से जटाशंकर सिंह की रिपोर्ट।